हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोवा चैनल पोस्ट 11। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग T20 मुकाबले की। गेम काला मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर के बीच गेम काला खेला जाएगा। तो सबसे पहले बात करता हूँ प्लेइंग 11 की। मुल्तान सुल्तान से मोहम्मद रिजवान कैप्टन है मुल्तान सुल्तान के, डाविन बलान, रिजा एंडिक्स, यासिर खान, अफ्तिकार अहमद, खुशदिल साहब, डेविड विली, उसावा विर, अवास अफरीदी, मोहम्मद अली एंड ओली स्टोन। आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो मुल्तान सुल्तान की तरफ से प्लेइंग 11 रही है। एंड बात करूँ लाहौर कलंदर्स की तरफ से प्लेइंग 11 की, एस फरहान, फगत जमान, आरविदर डुसन, अब्दुल्ला साफिक, सलमान फयाज, सिकंदर रजा, शिव रैथवेट, जंदर खान, साइंस आफरीदी कैप्टन है लाहौर कलंदर्स के, हरीश रौफ, जमन खान। आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो लाहौर कलंदर्स की तरफ से प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट बात करता हूँ वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट की। बता दूँ यम काला 21 फरवरी वेडनेसडे को शाम को 7:30 बजे से यम काला मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम मुल्तान पाकिस्तान में यम काला खेला जाएगा। यहाँ की पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो दोस्तों बैटर्स को इस पिच पर ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है। बात करूँ यहाँ की वेदर रिपोर्ट की, यहाँ का जो टेम्परेचर रहने वाला है अराउंड 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है जिस दिन मैच होगा, एंड 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा। बात करूँ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के अभी तक की स्कोर रिकॉर्ड की, टोटल मैचेस 8 हुए हैं। बैटिंग पहले की है उन्होंने यहाँ पर 6 मुकाबले विन किए हैं, एंड बॉलिंग पहले की है उन्होंने यहाँ पर 2 मुकाबले वन किए हैं। एंड फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 180 रहा है, एंड सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 165 रहा है। हाईस्ट अभी तक का स्टेडियम का रिकॉर्ड रहा है 210 एंड लोवेस्ट टोटल 110। मैच प्रीव्यू की बात करूँ उससे पहले बता दूँ इस मैच में 50,000 रुपये का प्री गिव रखा गया है। तो अभी तक भी आपने पोस्ट 11 ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप जल्द से प्ले स्टोर पर जाइए, आप पोस्ट 11 सर्च करिए, आप वहाँ से पोस्ट 11 ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप इस मैच की टीम क्रिएट करके आप अच्छा पैसा अर्न आप कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हो आपको 5,000 रुपये का, एंड सेकेंड रैंक लाते हो आपको 2,000 रुपये का, एंड थर्ड रैंक लाते हो आपको 1,000 रुपये तक का फ्री गिव अवे दिया जाएगा। तो जल्द से जाइए पोस्ट 11 ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। बात करूं टीम अपडेट की, मुल्तान सुल्तान से मोहम्मद रिजवान और डाविन बलान ओपन करते दिखेंगे। सुल्तान टीम की ओर से रिजा एंडिक्स वंडा पोजीशन पर बैटिंग करेंगे, यासिर खान एंड अफ्तिकार अहमद मिडिल ऑर्डर बैटिंग संभालेंगे। मुल्तान सुल्तान टीम की ओर से एंड मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान के कैप्टन हैं, साथ में एक अच्छे विकेट कीपर भी हैं। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपरिंग करते दिखेंगे। मुल्तान सुल्तान टीम की ओर से उसावा मीर एंड खुशदिल साह स्पिन बॉलिंग करते दिखेंगे मुल्तान सुल्तान टीम की ओर से, एंड मोहम्मद अली और डेविड विली फास्ट बॉलिंग करते दिखेंगे मुल्तान सुल्तान टीम की ओर से। मोहम्मद अली सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट हासिल किए इस सीरीज में। आप ये टीम अपडेट देख सकते हो जो कि मुल्तान सुल्तान की टीम अपडेट है। नेक्स्ट बात करता हूँ लाहौर कलंदर्स की टीम अपडेट की। एस फरहान एंड फगत जमान अपनी टीम से लाहौर कलंदर से ओपन करते नजर आएंगे। एस फरहान सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट हासिल किए इस सीरीज में। आरविदर डुसन बंडा पोजीशन पर बैटिंग करेंगे, अब्दुल्ला साफिक एंड सलमान फयाज मिडिल ऑर्डर बैटिंग संभालेंगे लाहौर कलंदर्स टीम की ओर से। साइंस अफरीदी लाहौर कलंदर्स के कैप्टन हैं, साथ ही में एक बेस्ट बॉलर भी हैं। एस फरहान विकेट कीपरिंग करेंगे लाहौर कलंदर्स टीम की ओर से, साथ ही में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स पॉइंट हासिल भी किए थे इन्होंने पिछले मैच में। सिकंदर रजा स्पिन बॉलिंग करते दिखेंगे, एंड जे खान एंड समन खान फास्ट बॉलिंग करते दिखेंगे लाहौर कलंदर्स टीम की ओर से। आप ये टीम अपडेट देख सकते हो जो कि लाहौर कलंदर्स की टीम अपडेट है। बात करूँ ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन की, आपको बता दूँ लाहौर कलंदर्स गुड फॉर्म में है, रिसेंट मैचेस में इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं। एंड टॉस प्रेडिक्शन की बात करूँ आज का टॉस है कौन जीत सकता है, अकॉर्डिंग टू द पोस्ट 11 एक्सपर्ट टॉस प्रेडिक्शन आज के टॉस है लाहौर कलंदर्स टॉस जीत सकते हैं, एंड पहले बॉलिंग करने का फैसला कर सकते हैं। मैच एक्सपर्ट वाइज की बात करूँ तो आपको बता दूँ मोहम्मद अली को एज ए स्मॉल लीग में आप कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो, एंड रिजा एंडिक्स को आप एज ए कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में ट्राई कर सकते हो। दोनों खिलाड़ी आपके लिए एज ए स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग आपके लिए बेस्ट कैप्टन चॉइस रहेंगे। हेड टू हेड की बात करूँ तो आपको बता दूँ मुल्तान सुल्तान 8 हेड टू हेड काला बॉन किया है, एंड वहीं लाहौर कलंदर्स 9 हेड टू हेड काला बॉन किए, एंड लाइव टेलीकास्ट आप फैन कोर्ट पर देख सकते हो। बात करूँ रिसेंट फॉर्म की, मुल्तान सुल्तान लगातार दोनों मुकाबला वॉन किया है, एंड वहीं लाहौर कलंदर्स दोनों मुकाबला हार का सामना करना पड़ा है।
पॉइंट्स टेबल की बात करूँ आपको बता दूँ, फर्स्ट नंबर पर मुल्तान सुल्तान है जो कि दो मुकाबले में से दोनों मुकाबले वॉन किए, जो कि नेट रन रेट 1.435 के साथ एंड 4 पॉइंट्स उन्होंने गेट किए। बात करूँ लाहौर कलंदर्स जो कि फोर्थ नंबर पर है पॉइंट्स टेबल में, दो मुकाबले में से एक मुकाबला वॉन नहीं किया, दोनों मुकाबले उनको हार का सामना करना पड़ा है एंड इनका नेट रन रेट माइनस में 0.7 चल रहा है। बात करूँ फैंटेसी टिप्स की तो टॉप ऑर्डर बैटर आप पिक कर सकते हो एंड डेथ ओवर वाले बॉलर जो बॉलिंग कराएं उनके लास्ट ओवर विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं। विकेट कीपर में मोहम्मद रिजवान आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे एंड पेसर्स का स्पिनर जाओ रहने वाला है। बैटिंग प्रेडिक्शन की बात करूँ, लाहौर कलंदर्स टीम ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है या मुल्तान सुल्तान टीम से, तो अपनी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर लाहौर कलंदर्स के आप पिक कर सकते हो। मुख्य खिलाड़ी मुल्तान सुल्तान की तरफ से नहीं है जिनको अपनी टीम में ज़रूर ट्राई करिए, मोहम्मद रिजवान, डाविड बलान, रिजा एंडिक्स अच्छे बल्लेबाज हैं अपनी टीम में, इनको जरूर सेलेक्ट कर सकते हो, ये आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। अफ्तिकार अहमद बेस्ट ऑलराउंडर है मुल्तान सुल्तान टीम की ओर से, अपनी टीम में इनको जरूर सेलेक्ट करिए। डेविड विली, अब्बास अफरीदी अच्छे बॉलर हैं अपनी टीम में, इनको जरूर सेलेक्ट कर सकते हो एंड ओली स्टोन आप ये मुख्य खिलाड़ी देख सकते हो मुल्तान सुल्तान की तरफ से मुख्य खिलाड़ी रहे हैं जिनको अपनी टीम में ज़रूर ट्राई करिए। एंड मुख्य खिलाड़ी लाहौर कलंदर्स की तरफ से रहे हैं फकत जमान, अब्दुल्ला साफिक, सिकंदर रजा बेस्ट ऑलराउंडर हैं लाहौर कलंदर्स टीम की ओर से, अपनी टीम में इनको जरूर ट्राई करिए। साइंस अफरीदी ज़्यादातर मैच में अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलता है इनका, अपनी टीम में इनको जरूर सेलेक्ट कर सकते हो। हरीश रौफ एंड जमन खान आप ये मुख्य खिलाड़ी देख सकते हो लाहौर कलंदर्स की तरफ से मुख्य खिलाड़ी रहे हैं, बेस्ट परफॉर्मर जो कि अभी तक मुल्तान सुल्तान की तरफ से रहे हैं मोहम्मद रिजवान, डाविड बलान, रिजा एंडिक्स अच्छे बल्लेबाज हैं अपनी टीम में, इनको जरूर सेलेक्ट कर सकते हो। यासिर खान एंड अफ्तिकार अहमद आप ये बेस्ट परफॉर्मर देख सकते हो मुल्तान सुल्तान की तरफ से बेस्ट ओवर रहे हैं जिनको अपनी टीम में जरूर ट्राई करिए। एंड बेस्ट ओवर जो कि लाहौर कलंदर्स टीम की ओर से रहे हैं एस फरहान, फखर जमान अच्छे बल्लेबाज हैं अपनी टीम में, इनको जरूर सेलेक्ट कर सकते हो। आरविंदर डोसन, अब्दुल्ला साफिक एंड सलमान फयाज आप ये बेस्ट ओवर देख सकते हो लाहौर कलंदर्स टीम की ओर से बेस्ट ओवर रहे हैं। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की बात करूं तो आपको बता दूं मोहम्मद रिजवान को आप एज ए स्मॉल लीग में वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो एंड डाविड मलान को एज आ कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में जरूर ट्राई करिए, ये आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। फखर जमान एज आ वाइस कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में इनको जरूर ट्राई कर सकते हो एंड साइंस अफरीदी अच्छे बॉलर हैं अपनी टीम में, इनको एज आ कैप्टन अपनी स्मॉल लीग टीम में जरूर सेलेक्ट करिए, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। इंजर्ड की बात करूँ कोई भी इंजर्ड अपडेट नहीं आया एंड अपनी फैंटसी टीम की बात करूँ तो ग्रैंड लीग टीम में आप मोहम्मद रिजवान को अपनी टीम में सेलेक्ट कर सकते हो, बैट्समैन में फखर जमान, आरविंदर डोसन, रिजा एंडिक्स एंड डाविड मलान को अपनी टीम में सेलेक्ट कर सकते हो, ऑलराउंडर में कुस्तिल साहब, एस फयाज एंड अफ्तिकार अहमद को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, बॉलर में डेविड वली, उसावा वीर एंड जैड खान अपनी टीम में सेलेक्ट कर सकते हो। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की बात करूँ आप कैप्टन आरविंदर डोसन को अपनी टीम में बना सकते हो एंड वाइस कैप्टन आप एस फयाज को अपनी टीम में वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग टीम में आप बना सकते हो। नेक्स्ट बात करूँ अपनी स्मॉल लीग टीम की तो विकेट कीपर में आप मोहम्मद रिजवान को अपनी टीम में सेलेक्ट कर सकते हो, बैट्समैन में कजामान, रिजा एंडिक एंड डाविड मलान को अपनी टीम में सेलेक्ट कर सकते हो, ऑलराउंडर में कुस्तिल शाह, एस फयाज, सिकंदर रजा एंड अफ्तिकार अहमद को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, बॉलर में साइंस अफरीदी, डेविड विली एंड एम अली को अपनी टीम में सेलेक्ट कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूं कैप्टन आप मोहम्मद रिजवान को अपनी टीम में बना सकते हो स्मॉल लीग टीम में एंड आप वाइस कैप्टन जो कि डाविड मलान को अपनी टीम में वाइस कैप्टन स्मॉल लीग टीम में बना सकते हो। जो भी यार फाइनल अपडेट होगा फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएगी तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई हो, वीडियो साइज प्लीज वीडियो पर एक लाइक एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए एंड आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना।